तरीके से आपकी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके बैनर कहीं देखने को नहीं मिले, तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं, इस पर आपका क्या बयान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन चिंतन है वो वास्तव में हम लोग को बैनर पोस्टरों वाला ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों की बड़ी बढ़ोतरी हुई, कार्यकर्ताओं का जोश भी कहीं ना कहीं वो बना रहता है, तो आजकल ये परंपरा आ गई है नई कि इस तरह के पोस्टल बैनर और ये सब चीज़ें लगती हैं, तो उसमें भी ये कोई विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य विषय है। हम लोग तो स्वयं सेवक हैं और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने तो 1925 से लेकर आज तक हम लोग जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन माहौल बदला है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। प्रधानमंत्री जी का विचार है, जो उनकी सोच है, वो वास्तव में देश का जो आज़ादी का ये पर्व है हमारा, इस आज़ादी के पर्व में हम लोग उन शहीदों को नमन करें, उन देवतुल्य आत्माओं को नमन करें, उनका इतिहास जानें कि इस देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी, हजारों हजारों लोगों का बलिदान इस देश पर हुआ है, नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इस देश पर जो सबसे कम उम्र का शहीद हुआ बालक था वो 12 साल का था, भगत सिंह 23 साल का था। तो इस तरह से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के नेतृत्व में, तिरंगा लहराना एक विषय हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा विषय है, उस तिरंगे को जाने क्यों हम ये तिरंगा फहरा रहे हैं, आज क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो वास्तव में ये सोच और एक बड़ी सोच देश के लिए प्रधानमंत्री जी की है, देश के नौजवानों के लिए है। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम बात करते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 से 13 तारीख तक सोशल मीडिया पर देश का झंडा लगाने की बात कही और 13 से 15 तारीख तक हर घर में झंडे को लगाने को कहा, इसी पे बात करेंगे संजीव चौधरी जी से कि इस पे लेकर के मतलब क्या क्या भावना है मोदी जी की, मतलब किस तरीके से क्या करना चाहते हैं इस तरीके की भावना। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग समाज को आईना बनाकर काम कर रहे हैं। साथ ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है, जो उनकी सोच है, वो वास्तव में देश का जो आज़ादी का ये पर्व है हमारा, इस आज़ादी के पर्व में हम लोग उन शहीदों को नमन करें, उन देवतुल्य आत्माओं को नमन करें, उनका इतिहास जानें कि इस देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी, हजारों हजारों लोगों का बलिदान इस देश पर हुआ है, नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इस देश पर जो सबसे कम उम्र का शहीद हुआ बालक था वो 12 साल का था, भगत सिंह 23 साल का था। तो इस तरह से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के नेतृत्व में, ये वास्तव में हमारे इतिहास को जानना, हमारी आज़ादी को जानना, हमारी उन वीरांगनाओं को जानना जिन्होंने इस देश के लिए त्याग और बलिदान किया, आज़ादी किस प्रकार से मिली और आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी को संजो कर रखें, वो अपने उन महान पुरुषों के त्याग और बलिदान को आदर्श बनाकर चलें। केवल तिरंगा लहराना एक विषय हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा विषय है, उस तिरंगे को जाने क्यों हम ये तिरंगा फहरा रहे हैं, आज क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो वास्तव में ये एक सोच और एक बड़ी सोच देश के लिए प्रधानमंत्री जी की है, देश के नौजवानों के लिए है। आज भारत को जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊँचाइयाँ मिली हैं, उस विकास की ऊँचाइयों में हमारा इतिहास धूमिल ना हो और हमारे शहीदों का कोई भी पार्ट, कोई भी पन्ना वो हमारे से बचा ना रहे, हमारी पीढ़ियों से बचा ना रहे, हमारे नौजवानों से बचा ना रहे, उसको हम वहाँ तक ले जाने की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की इस प्रकार की है। इसी परिवेश में हम लोग इसको 2 चरणों में मना रहे हैं और मुझे लगता है कि सारा देश आज इसका समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर आप लोग देखेंगे तो ये अभियान जोरों से इस समय पूरे देश में चल रहा है और 13 से 15 तक हर घर तक ये ले जाने का हमारी योजना है। सदन में GST का बजट पास हुआ,
एकदम से मतलब महंगाई बढ़ा दी गई, इस पे आप क्या कहेंगे? विकास की जैसे आपने कहा कि ऊंचाइयाँ छू रहा है, तो ऐसे कहीं ना कहीं महंगाई भी छू रही है। नहीं, देखिए वास्तव में क्या है कि जीएसटी तो हम अगर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो जीएसटी से व्यापारी वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे कागज भरने पड़ते थे, बहुत सारे टैक्स लगते थे, उसी में व्यापारी उलझा रहता था। सीमाओं पर लूट खसोट होती थी, माल निकालने के लिए कई विभागों द्वारा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन उस पर पूर्णतः अंकुश लगा है। तो आज कहीं ना कहीं जो एक जीएसटी से हम व्यापारियों को जो राहत मिली है, वो वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। दूसरा, जहाँ तक महंगाई की बात हम करते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ, महंगाई चूंकि विश्व स्तर का एक सिस्टम बना है, हमारा कोई भारत गैस को लेके, पेट्रोल को लेके, अन्य चीज़ों को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय एक उतार चढ़ाव है। तो वास्तव में महंगाई पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह काम कर रही है, लेकिन जो छूट है, जैसे अभी हमने पेट्रोल पर छूट दी, जैसे अभी हमने गैस पर भी प्रयास किया है कि इस प्रकार का कुछ योजना बनाई जाए, तो सरकार गंभीर है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं लोगों की आय बढ़ाई जाए, लोगों का रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसकी महंगाई को कम किया जाए। लेकिन ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके सार्थक परिणाम भी बहुत ही जल्दी देखने को भी मिलेंगे। देखिए, हम हरिद्वार जिले से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी को बनाया गया था, काफ़ी सालों से रहे हैं, और अचानक से एकदम ऐसे पार्टी में क्या नीति हुई कि एकदम से उनको हटा दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो वार्ड के अध्यक्ष हैं या बूथ के अध्यक्ष हैं या पन्ना अध्यक्ष हैं, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और हमारे यहाँ पार्टी के पद पद ना होकर के जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब जिम्मेदारियों की बात आती है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियों में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। इसी परिवेश में कहीं ना कहीं आज जो अध्यक्ष हैं वो कल किसी अन्य जिम्मेदारी में रहेंगे, जो अन्य हैं आज उनको जिम्मेदारी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान ने सोच समझकर जो भी निर्णय किए हैं, हम सब कार्यकर्ता उसको बिल्कुल सहज लेते हैं, क्योंकि ये पार्टी की एक नीतिगत लाइन है, इस पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी जब कार्यकर्ताओं को देती है, इसका आप उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र में हमारे डिप्टी सीएम बने हुए हैं जो आज वो पूर्व में सीएम रहे हैं। हम लोग क्या है, पदों के लालच में ना आकर के पार्टी और देश के हित में हम क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारी सोच बनी रहती है। हमारे लिए पद एक, मैंने जैसे कहा, पद ना होकर के एक जिम्मेदारी के रूप में आता है। कब किस जिम्मेदारी में निर्वहन करके हमें भारत माता की सेवा करनी है, हमें राष्ट्र का वंदन करना है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का काम करना है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो परिवर्तन हुआ है, ये हाईकमान ने बहुत सोच समझ कर किया होगा, और ऐसा नहीं है कि किसी को अनदेखा किया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारियों में नए लोग आएंगे। जिस तरीके से आपकी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके बैनर कहीं देखने को नहीं मिले अभी तक, 3 से 4 दिन हो चुके हैं, इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन चिंतन है, वो वास्तव में हम लोग तो बैनर पोस्टरों वाला ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों की बड़ी बढ़ोतरी हुई, कार्यकर्ताओं का जोश भी कहीं ना कहीं वो बना रहता है, तो आजकल ये परंपरा आ गई है नई, कि इस तरह के पोस्टल बैनर और ये सब चीज़ें लगती हैं, तो उसमें भी ये कोई विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य विषय है। निश्चित तौर पर चूंकि आजकल कावड़ का समय था और सभी सावन का समय चल रहा है, तो प्रिंटिंग प्रेसों पर भी काम बहुत रहता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के वो सब प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं, और अति शीघ्र आप देखोगे कि पूरे प्रदेश में धीरे धीरे इस प्रकार का माहौल बन रहा है। क्या होता है ना कि जब नए अध्यक्ष बनते हैं, तो सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए ललायित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो सभी ज़्यादातर देहरादून आजकल आ जा रहे हैं,
कार्यकर्ताओं का है कि अध्यक्ष जी से मिलके अपने बारे में बताना, उनकी योजना क्या है, उनकी रचना क्या है, संगठन का विषय क्या है। तो सभी लोग लगातार दूसरे तीसरे दिन से भाग रहे हैं वहाँ पर। तो हमारे लिए पोस्टर बैनर कोई बहुत बड़ा विषय ऐसा रहता नहीं है। हम लोग तो स्वयं सेवक हैं और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने तो 1925 से लेकर आज तक हम लोग जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन माहौल बदला है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। और ऐसा नहीं है, पिछले वालों के भी और आने वालों के लिए भी और जो आज वर्तमान में है, सभी के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल और मन से प्रेम उतना ही होता है। हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी हमारे लिए, पहले अध्यक्ष भी वैसे थे, अब महेंद्र भट्ट जी आए हैं, उनके लिए भी हम वैसे ही काम करेंगे। भविष्य में जो भी निर्णय पार्टी का होगा उनके लिए भी वैसे ही काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचार है, एक परिवार है और इस परिवार में समय समय पर अनेक जिम्मेदारियां एक दूसरे को दी जाती हैं और यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, बढ़ चढ़ के उस काम को किया जाता है, किसी से लिया नहीं जाता अपितु हमारे यहाँ कार्यकर्ता स्वतः ही उन जिम्मेदारियों से मुक्ति के लिए अपने हाईकमान को बोलते हैं और अन्य जिम्मेदारियों में जाना चाहते हैं। ये संजीव चौधरी जी मौजूद थे, इनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी की नई रणनीति है, जिस तरीके से भी पार्टी काम बताएगी, पार्टी का काम करना होगा, बिकॉज पार्टी के ही हम स्वयं सेवक हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार।